सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं, सबने बोल दिया नीतीश जी मैंने साइन कर दिया। देखिए देखिए यही भारतीय जनता पार्टी, अगर हम चंद्रबाबू नायडू जी की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू जी अभी कुछ दिन पहले जब जेल गए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उनकी मदद नहीं की। नीतीश बाबू जी के बारे में क्या क्या ही भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, हमारे को पैनलिस्ट बैठे उनको ही पता है, ऐसा कोई शब्द नहीं जो उन्होंने ना बोला हो। लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो जब कमजोर होती है तब तो आपसे हाथ जोड़ती है और जब मजबूत होती है तो आपको दौड़ाती है, ये उनका करैक्टर भारतीय जनता पार्टी का है। भाई भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये पूरे सत्ता में थी, सत्ता के अहम में थी, जिस तरह से अन्याय किया जनता के साथ, चाहे हम लोग मुद्दे जनता की बात करते थे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान पे बात करो, ये बात करते थे, मीट, मछली, मुर्गा, मंगलसूत्र, बाबरी ताला, मुजरा, पता नहीं किस किस पे बात कर रहे थे, तो जनता ने, आपने देखा जनता ने कैसा जवाब दिया, आपको बहुमत से पीछे, आपको बहुमत नहीं लाने दिया, तो आप बैसाखी पे आ गए। और बैसाखी पे जब आ जाओगे तब तो जाहिर सी बात है आपके दूसरों पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहां से आप अयोध्या में, जहां प्रभु राम के नाम पे आपने अलायंस को बैसाखी मत कीजिए, अभी आप लोगों ने यूपी में अलायंस किया, कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस हुआ है, प्रभु राम ने, आपने भी तो अलायंस किया उत्तर प्रदेश में और आपका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। मैं बोल रहा हूँ आप करे तो मास्टर स्ट्रोक, कोई और करे तो बैसाखी नहीं हो सकता ना, हुआ ना, क्योंकि हम जनता के साथ हैं। सुन तो लीजिए, हम जनता के साथ हैं। इन्होंने राम के नाम पे राजनीति करनी चाहिए तो प्रभु राम ने इनको नकार दिया, अयोध्या से भी हटा दिया, सोचो आप, अयोध्या से हरा के खदेड़ दिया, बोले आप लोग को यहाँ पे रहने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आप प्रभु राम मेरे नाम पे राजनीति करते हो। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मेरा आज का मुद्दा सिर्फ इतना है, तो एनडीए की सरकार बन गई है, 8 तारीख को स्वेयरिंग इन हो जाएगी और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि कल पिछले 24 घंटे से सबसे ज्यादा चिंता आपको लग रही थी कि ये सरकार तो गिर जाएगी, बनेगी नहीं, अब निश्चिंत है ना, आप एक प्रपोजल आ गया। देखो ये सरकार बैसाखी पे, सुन तो लीजिए, बैसाखी पे चलने वाली सरकार कितने दिन चलती है, क्या होता है, ये आप भी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और जिन अलायंस के साथ ये सरकार बना रहे हैं उनका दिल हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ रहता है, ये भी आप जानते हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे नीतीश बाबू जी हो, इनका सम्मान अगर किसी ने किया है तो इंडिया गठबंधन ने किया है, और अपमानित अगर किसी ने किया है भाषाओं के माध्यम से तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये भी आप जानते हैं, तो इस बात का भी उन्हें एहसास होगा। और आज नहीं तो कल आप देखिएगा, जनता के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के मुद्दे के लिए, ये लोग भी एक दिन हम लोग के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। तो आप कह रहे हैं कि अलायंस सरकार चलती नहीं है, वो बैसाखी वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चला सकती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेगी। अनुराग जी संभल गए, अभी तो अलायंस की सरकार को यू आर जस्ट कॉलिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट, अ लेम डक गवर्नमेंट एंड सेड इट्स गोइंग टू बी नॉट स्टेबल। आप भी तो बैसाखी वाली सरकार ही बनाएंगे, आप सबकी तो मिली जुली बैसाखी वाली सरकार होगी, आपकी कौन सी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। हमारी सरकार में, सुन तो लीजिए, मेरी सरकार में, मेरी सर, सुन तो ले, बट मत, एक बार सुन लीजिए, मेरी सरकार में मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे हैं, उनकी सरकार में अग्निवीर योजना है जो 4 साल के युवाओं को नौकरी देते हैं जिसके लिए उनको नकारा गया है, उनकी सरकार में महिलाओं पे अत्याचार करने वाली सरकार होती है। संजू वर्मा, आई एम नॉट गोइंग टू बीट अराउंड द बुश, टुडे तेजस्वी यादव सेड वन वेरी क्लियर थिंग, नीतीश कुमार brought in the caste survey in Bihar. Now he is in your NDA. Will you do a nationwide caste census? These are going to be not issues you can brush away. Will you do a nationwide caste census? You know, Padmaja, let's be very clear. Today even I will not beat around the bush. I've never done that, especially on your shows. Let the swearing in of Prime Minister Narendra Modi happen at 8 p.m. As is scheduled on the 8th of June. And then after that, caste census hoga ya nahi hoga, Bihar ko special status milega ya nahi milega, whether the issue of privatization of Vishakhapatnam steel plant, which has been a thorny issue, whether that gets resolved or not, ye agle 72 ghanton mein, 96 ghanton mein, sari picture clear ho jayegi. But I cannot allow the allegations of the Samajwadi Party to go unanswered. ये कहते हैं बीजेपी बैसाखी वाली सरकार नहीं चला पाएगी। पहले तो जो गठबंधन की सरकार है उसको बैसाखी वाली सरकार कहकर आप अलायंस पार्टनर्स की तौहीन कर रहे हैं। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 टू 2004 गठबंधन की सरकार बखूबी चलाई। थर्ड पॉइंट, आप जो कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का जो
बात सही है, बट आप एक बहुत अहम बात भूल जाते हैं दैट इन द लास्ट 29 इयर्स, लगभग 29-30 सालों में 26 साल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहे हैं. मतलब 90-95% ऑफ द टाइम दैट नीतीश कुमार हैज स्पेंट इन एक्टिव पॉलिटिक्स ही हैज डन दैट बाय बीइंग एन अलाय ऑफ द बीजेपी. और रही बात, और एक ये जो आप बार बार आके कहते हैं कि बीजेपी को खदेड़ दिया, मैं आपकी बात तब मानती कि आपने खदेड़ दिया यदि आप बीजेपी का लोकसभा 2014 में हमको जो 73 सीटें मिली थी 80 में से 91% हमारा स्ट्राइक रेट था उत्तर प्रदेश में, यदि हमारा वो स्ट्राइक रेट आप नकार देते तब मैं मानती कि आपने हमको खदेड़ा है. अच्छा। मैं मानती हूं उत्तर प्रदेश में हमारी परफॉर्मेंस में चूक रह गई, बट इवन टुडे एट 240 सीट्स वी आर मोर देन 13 पार्टीज ऑफ द डॉट डॉट अलायंस पुट टुगेदर. इसलिए इतना उछलना बंद करिए, सरकार मोदी जी की ही आ रही है तीसरी बार. ओके.